आप देर से आए हैं। जादूगर कभी देर से नहीं आते, फ्रोडो बैगिंस, ना ही कभी जल्दी आते हैं। वो तभी आते हैं जब उन्हें आना होता है। आपको देखकर खुशी हुई गैंडाल्फ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे उस बुढ़ों का जन्मदिन भूल जाऊंगा? कैसा है वो बूढ़ा बदमाश? सुना है बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। आप तो बिल्बो को जानते हैं, उन्हें शोरगुल कितना पसंद है। तो वो खुश हो जाएगा। आधे शायर को दावत दी गई है और बाकी आधे तो वैसे ही आने वाले थे। शायर में जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी, अपनी ही रफ्तार से चलती है। यहाँ बदलाव बहुत धीरे धीरे आता है, अगर उसे बदलाव कहा जाए तो। शायर में चीजों की उम्र बहुत लंबी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी तक चलती है। पहाड़ी के नीचे बैगेंस में एक बैगिन तो हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। वैसे सच पूछिए तो बिल्बो इन दिनों थोड़े अजीब हो गए हैं, मतलब पहले से भी ज्यादा। खुद को अपने कमरे में बंद किए रहते हैं और हमेशा मुझसे नजरें बचाकर घंटों तक पुराने नक्शे को देखते रहते हैं। वो कुछ करने वाले हैं। ठीक है, रखिए अपने राज अपने पास। मैं जानता हूं आप भी उनसे मिले हुए हैं। क्या कह रहे हो? आपके आने से पहले हम बैगिंस बिल्कुल सीधे साधे हुआ करते थे। सो तो है, हमारे साथ कभी कुछ अजीब नहीं घटा था, कभी नहीं। अगर तुम उस ड्रैगन वाली घटना का जिक्र कर रहे हो तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने तुम्हारे अंकल को दरवाजे के बाहर हल्का सा धक्का दिया था। जो भी हो, सब लोग आपको शांति भंग करने वाला मान चुके हैं, समझ गए आप? मैं खुश हूं कि आप वापस आ गए। मैं भी खुश हूं मेरे बच्चे। बहुत खुश। रिश्तेदार या पड़ोसी से नहीं मिलना। और तुम्हारे पुराने दोस्तों का क्या? गैंडाल्फ, बिल्बो बैगिंस। गैंडाल्फ मेरे यार, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। 111 साल कौन मानेगा, तू आज भी वैसा ही है।
आ जाओ, अंदर आओ, आओ आओ। बता क्या पिएगा, चाय या कोई कड़क चीज? मेरे पास कुछ पुरानी बोतलें रखी है, 1296 की, 6 साल था वो। बाबा की रखी इन बोतलों की उम्र मेरे जितनी ही है। क्या कहते हो, खोल लूं एक? सिर्फ चाय, शुक्रिया। मैं तो पिछले हफ्ते तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपनी मर्जी से आते जाते रहते हो और आगे भी यही करते रहोगे। लेकिन आज मेरी तैयारी नहीं है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा गोश्त रखा है। एक आध चीज और भी है लेकिन किसी काम की नहीं। कुछ चटनियां हैं, सेब का मुरब्बा है, बस और ज्यादा नहीं है। अरे वाह, कुछ नान खटाइयां भी मिल गई है। लाता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए अंडे बना दो। सिर्फ चाय, शुक्रिया। हाँ ठीक है, पर मैं तो खा सकता हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं घर पे नहीं हूँ। ये सैक्विल बैगिंस है। मैं जानती हूँ तुम घर पे हो। ये मेरे घर के पीछे पड़े। इन्होंने इतना लंबा जीने के लिए कभी मुझे माफ नहीं किया। मुझे निकम्मे रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाना है। एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देते मुझे। मैं फिर से पहाड़ देखना चाहता हूँ, पहाड़ गैंडाल्फ, और कोई शांत जगह ढूंढना चाहता हूँ जहां मैं अपनी किताब खत्म कर सकूं। ओ चाय। यानी तुम अपनी चाहत को अंजाम देना चाहते हो? हाँ, और ये मुमकिन है, सारी तैयारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। फ्रोडो को तुम पर शक हो गया। मैं जानता हूँ वो एक बैगिन है, ना कि हार्ड बॉर्डर का कोई बेवकूफ प्रेस गर्डर। तुम उसे बता के जाओगे ना? हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जानता हूं, अगर साथ चलने को कहूंगा तो चल भी देगा। लेकिन फ्रोडो के दिल में अभी भी शायर के लिए प्यार है। ये जंगल, ये खेत, ये नदियां, मैं बूढ़ा हो चुका हूं गैंडाल्फ। चेहरा चाहे ना हुआ हो लेकिन मेरा दिल बूढ़ा होने लगा है। मैं बहुत कमजोर हो गया, जैसे किसी की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। मुझे छुट्टी चाहिए, लंबी छुट्टी। शायद मैं वापस कभी ना आऊं। मैं आना चाहता ही नहीं। Old Toby, साउथ फादरिंग की नशीली पत्तियां। गैंडाल्फ मेरे दोस्त, आज की रात एक यादगार रात होगी। तुम्हें देख के खुशी हुई। आपका स्वागत है। आओ बैठे। क्या हो सैम, रोजी से डांस के लिए पूछो। बस एक जाम और पी लूं मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अब जाओ जाओ।